अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बाकी यार, जिन भाई ने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो फौरन जाके वो वाला व्लॉग देखें, उसके बाद ये वाला व्लॉग देखें। और अब आपको अपडेट देता हूँ कि ये हमारी कबूतरी वापस आ चुकी है और बाकी तीन अभी तक वापस नहीं आए। और साथ साथ आपको अपडेट देते हैं, काफ़ी टाइम लगाने के बाद ये वापस आई है। अच्छा, तो यार ये सीन है कि अभी हम बाकी पिजन्स के पीछे जा रहे हैं, मिलते हैं या नहीं इस जिस साइड पे गए हैं तो जाके चेक करते हैं और साथ आपको अपडेट देता हूँ। यार वापस निकल चुके हैं, जाके देखते हैं इस साइड पे गए थे हमारे पिजन्स, तो जाके ढूंढते हैं। यार हमारे दो पिजन्स इधर नजर आए हैं, एक या दो बैठे हैं। तो इधर से भाई लोगों को कहते हैं, अगर कोई मिलता है तो कहते हैं इधर से उड़ाएं ना, शायद अपनी छत पे हमारी चले जाएं या ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ से हम पकड़ लें, इधर से तो मुश्किल है। अच्छा, तो यार भाई इधर मुझे कह रहे हैं, मैं आपको इजाज़त तो नहीं देता ऊपर जाने की, पत्नी इधर आप देखें फ्लैट वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा हम उड़ा देते हैं, आपकी किस्मत तो आपके घर चले जाएंगे। खैर देखते हैं क्या सीन है। तो अभी मेरे ख्याल में वो उड़े उस साइड पे, उड़े भाई देख ही नहीं रहे, वो अपना उधर चलते हुए जा रहे हैं। तो यार पिजन वगैरह तो हमें मिले थे एक जगह पे बैठे हैं, अभी तक वहीं बैठे थे। तो हमारे तो ज़रूरी काम थे, हम वापस आ गए। तो अभी भाई के बाल कटवाने हैं, तो इधर देखे तो वो भी रोटी खा रहे हैं, तो अभी मेरे साथ धूप भी ला गई है, समोसे वगैरह खाते हैं। तो इतनी देर में भी आ जाएगा, तो भाई के बाल कटवाते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह एक दो जगह से लेते हैं और कपड़े लेते हैं। अच्छा, तो यार घर वापिस आ गया हूँ, काफ़ी ढूंढा है कबूतर को, कबूतरों को तो नहीं मिले। बाकी ये सीन है कि अभी भाई फीड वगैरह डाल रहे हैं छोटे चिक्स को। कबूतर यार बहुत ही बेवफा चीज़ है, दो माह मैंने ये रखे हैं फिर भी उड़ गई हैं, क्या पता नहीं इनमें मसला था। एक वापिस आ गई असली में, बाकी उड़ गई हैं। ये वो अंकल जी कहते हैं सीढ़ी टूटी हुई है, मैं नहीं जाने देता मम्मी पे, ट्रिपल पोर्शन था। थोड़ी देर बाद मैं उधर हूँ, सीढ़ी लगी हुई थी, बाबा जी को अब बंदा क्या कहे, इतनी इतनी दाढ़ी है सफ़ैद, कहते हैं सीढ़ी टूटी हुई है। अभी मैं वापस क्यों, सीढ़ी लगी हुई थी। तो यार बंदा ऐसे बंदों को क्या कहे, इतने बड़े हैं, ज़िंदगी आपकी गुजर की आ गई है, कितनी एज होगी आप, 60+ के अंकल थे, कहते हैं सीढ़ी टूटी हुई है। मैंने चले अब आपकी सफ़ैद दाढ़ी हम क्या कहें आपको, दिल तो अभी मेरा किया जब सीढ़ी लगी थी, चला जाऊँ अंकल को फिर बताऊँगी अभी आपने सीढ़ी कहाँ से ली है। तो दफ़ा करो यार, हमारे नसीब में नहीं थे, उड़ गए हैं, आने होंगे तो शाम तक आ जाएंगे। बाकी यार काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई है। और ये सीन था भाई के बाल वगैरह भी कटवा दिए, कपड़े वगैरह लेने थे धोबी वगैरह से, वो भी मैं ले आया हूँ, ब्लॉग श्लॉग नहीं बनाया, तबीयत नहीं ठीक मेरी। और अभी यार ये सीन है कि मैं शादी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो ये है परिंदों को तो मैंने दाना पानी डाल दिया था, बाकी साथ आपको इंशाल्लाह अपडेट देता हूँ। अच्छा, तो यार सीन कुछ ऐसा था कि जब मैं अभी नीचे वीडियो बना रहा था थोड़ी देर पहले, तो ऊपर से घर वालों की आवाज़ आई, तो मैं भाग के क्यों, तो हमारा एक कबूतर ना वापस आ गया था। तो मैंने वैसे सेटअप वगैरह बंद कर दिया, तो इंशाल्लाह आपको सुबह दिखाऊंगा जो वापस आए हमारा मेल, और एक जोड़ी हमारी गुम हो गई है, तो दुआ करते हैं सुबह तक आ जाए वापस। और बाकी यार आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।